दोनों वैक्सीन लगवाने वालों को भी अब 28, 29, 30 नवंबर को मिलेगा राशन। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को गरीब कमजोर वर्ग की आवाज़ को बुलंद किया है और ऐसे लोगों को भी राशन देने की मांग की है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। इस पर प्रशासन ने 28, 29 और 30 नवंबर को ऐसे लोगों को राशन देने का निर्णय लिया है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। इस पर सपा के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए हर हाल में कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि बीमारी को जड़ से भगाया जा सके। क्या गया कि मुझे बोले आज समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा डीएसओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है, जिसमें डीएसओ साहब ने एक राशन वितरण में एक शर्त लगा दी थी, ये जो वैक्सीनेशन का जिनके पास सर्टिफिकेट है उन्हें ही राशन मिलेगा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, जिस पर हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको भी और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको भी 31 तारीख तक राशन वितरण कर दिया जा रहा है। मगर क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है वैक्सीनेशन कराने की, ताकि आगे वो लोग बीमार ना हो, इसलिए हमारा ये भी लोगों से कहना है कि वो अपना वैक्सीनेशन कराएँ। ये जो आपको ज्ञापन दिया गया क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि क्योंकि टीकाकरण की गति अपेक्षित नहीं हो रही थी और मुरादाबाद जनपद तो नीचे था, आगामी चुनाव और तमाम ऐसे होंगे जब शादी कदम यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो ऐसे में क्योंकि काफ़ी लोग टीकाकरण से वंचित थे और रोग की लहर आ सकती थी, इसके मद्देनज़र जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में यह एक निर्णय लिया गया कि जो हमारे पत्रकार हैं या अन्य जो भी शासन के बीच हैं उनके माध्यम से कार्डधारक और जो लोग हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपना टीकाकरण कराएं। इस संदर्भ में जितने भी शहर के और देहात के जितने भी हमारे पत्रकार थे वो मोटिवेट कर रहे हैं और उनको 10 दिन का वितरण होता है, 5 दिन उनको ये समझाया जा रहा है लगातार कि आप टीकाकरण कराइए और ताकि जो है हमारा देश स्वस्थ। सर, इनका तो आरोप यह है आपके द्वारा एक तुगलक ही फरमान था कि अगर टीकाकरण नहीं होगा तो राशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 30 तारीख तक वितरण है और शुरुआती 4-5 दिन आपको पता है कि टीकाकरण हमारी कितनी गति से चल रहा है, जो औसत 12,000 होता था एक दिन में, इस समय 35 से 40,000 के बीच में हो रहा है और अभी हमारा वितरण का क्योंकि आज 25 तारीख है, महीने के अंत तक अभी 6 दिन बाकी है और हमारा 54% से ज़्यादा आधा से ज़्यादा हमारा वितरण कल शाम की जो 24 तारीख की रिपोर्ट है वो हम पूरे इधर के पश्चिम के इलाके में 8वें 9वें स्थान पे हैं। तमाम जिले जो हमसे बहुत ही नीचे हैं 15% 10% है, ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड है, हम आपको दिखा सकते हैं। सर, कुछ ऐसा भी आदेश आपकी तरफ से कि जिनके टीकाकरण नहीं करवाएंगे उन्हें राशन नहीं देंगे? उनको राशन ऐसा लेकिन मोटिवेट करेंगे, उनको हम अंतिम 3 दिन में देंगे, जो बचे लोग होंगे उनको हम अंतिम 3 दिन में देंगे, शुरुआत में उनको हम प्राथमिकता देंगे जो टीकाकरण करा उनको हम अंतिम 3 दिन। जैसे कोई आदमी महिला